नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के विरोध में एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं चिराग पासवान। जी हां, अब चिराग पासवान गोपालगंज मोकामा के बाद कुर्नी में भी बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। आपको बता दें कि पहले भी एक बार गोपालगंज और मोकामा में चुनाव हुए, जहां दो सीटों पर हुए मुकाबले में एक सीट पर बीजेपी जबकि एक सीट पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। वहीं अब कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन और एनडीए दोनों की कोशिश है कि जीत दर्ज करके अपने पार्टियों में बढ़त बनाए, जिसको लेकर दोनों तरफ के पक्षों से बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही दोनों गठबंधन की तरफ से जीत के अपने अपने दावे भी हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच चिराग पासवान की पार्टी ने कुर्नी में बीजेपी के लिए प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरह मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए उन्होंने प्रचार किया था, उसी तरह वे कुर्नी में भी प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं उनकी पार्टी में इस चुनाव में हो रहे प्रचार प्रसार को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। खुद चिराग पासवान भी कुर्नी में प्रचार करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुर्नी में बीजेपी की जीत तय है। साथ ही नीतीश कुमार के बदलते हुए मिजाज पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार उनकी हार तो निश्चित है, क्योंकि बिहार की जनता नीतीश कुमार के खिलाफ है। दरअसल कुर्नी में दलित वोटर्स की संख्या करीब 40,000 है, इसमें 30,000 मल्ला वोटर्स भी हैं, जबकि 12,000 पासवान वोटर्स हैं। बीजेपी चिराग पासवान के माध्यम से पासवान और मल्ला वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए एलजेपी रामविलास पार्टी के प्रमुख को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इधर बीच चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा कि 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस है और इस दौरान चिराग पासवान पटना में रहेंगे। पार्टी के स्थापना दिवस के बाद वह प्रचार के लिए कुर्नी जाएंगे। जो भी चुनाव प्रचार की प्रक्रिया होगी वो सब बीजेपी की तरफ से ही तय की जाएगी, लेकिन एक बात तो तय है, उनके प्रचार से दलित वोटर्स भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट करेंगे और कुर्नी में बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार कुर्नी उपचुनाव में उनकी पार्टी से कोई भी दावेदार नहीं है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी एनडीए के समर्थन में है, जिसको भी बीजेपी सीट देगी वह उन्हीं का समर्थन करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुर्नी उपचुनाव का मतदान जो है वो 5 नवंबर को होने जा रहा है। कुर्नी की ये सीट अनिल सैनी की थी, लेकिन एलटीसी घोटाले में वे दोषी पाए गए, जिसके बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। उनके बाद अभी तक ये सीट खाली है, जिसकी वजह से ये कुर्नी उपचुनाव होने जा रहा है। चुनाव के मतदान 5 दिसंबर को होंगी, वही मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान के बीजेपी के समर्थन में आते ही इससे महागठबंधन को नुकसान होता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।